हेलो दोस्तों, तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं आश्रम सीरीज़ के सीज़न 3 का। दोस्तों इसके सीज़न 1 और 2 का रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखना। तो दोस्तों सीज़न 3 में है बॉबी देओल, अदिति, त्रिधा, दर्शन कुमार, चंदन रॉय और भी बहुत सारे बढ़िया एक्टर। तो दोस्तों सीज़न 3 में अपन चलो हर बार की तरह 3 वे में रिव्यू करेंगे, पहले स्टोरी, फिर एक्टिंग, फिर कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो दोस्तों आश्रम 3 की स्टोरी यू देखने जाए तो स्टोरी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। अभी आप मानो या ना मानो, आश्रम सीरीज़ चल रही है इसके सीज़न 1 के हॉट सीन और सीज़न 1 की स्टोरी की वजह से। सीज़न 1 की स्टोरी इतनी बढ़िया थी कि आगे अपन को लगा था कि आगे भी ऐसी ही चलेगी, लेकिन सीज़न 1 के बाद ही सब कुछ बदल गया था। सीज़न 2 में भी बहुत नॉर्मल स्टोरी थी और हॉट सीन थे, लेकिन सीज़न 3 में ना ही प्रॉपर स्टोरी है ना ही प्रॉपर हॉट सीन है। दोनों जो जिसकी वजह से ये चल रहा था, ये दोनों चीज़ अब सीज़न 3 तक ख़त्म हो जाता है। सीज़न 3 में मतलब जो सीज़न 2 में एंड हुआ था वहीं से फिर जैसे तैसे करके चला रहे थे। कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। बाबा तो अभी भी ठीक ठाक ही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। 3 सीज़न हो गए लेकिन बाबा का कुछ भी बाल भी नहीं बिखड़ा, स्टोरी भी प्रॉपर नहीं है। बात करें परफॉर्मेंस की तो देखो यार, परफॉर्मेंस तो सबकी अच्छी थी, सभी अच्छे एक्टर है। बॉबी देओल की भी अच्छी थी, अदिति की भी अच्छी थी, त्रिधा की भी अच्छी थी, दर्शन कुमार, सब ने अपना अपना काम बहुत बढ़िया करा है। मतलब एक्टिंग तो सबकी बढ़िया थी। और बात करें इसके कंक्लूजन की तो यार कंक्लूजन कुछ निकला नहीं, लेकिन इन लोगों ने सीज़न 4 के लिए कंक्लूजन डाल दिया। मतलब कि ये तो पूरा सीज़न इन लोगों ने जैसे तैसे ख़त्म कर दिया, फिर इसी के सीरीज़ के एंड में ही सीज़न 4 का ट्रेलर दिखा दिया कि उसमें बाबा के साथ वो शादी करके शायद उसको फंसा के अब कुछ सजा वजा दिलाने वाली है, ऐसा कुछ है। तो इन लोगों ने मतलब ये सीज़न तो जैसे तैसे ख़त्म कर ही दिया। अब स्टोरी सीज़न 4 में इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इसमें तो ठीक ठाक थी। अरे इसमें 2-3 सीन बहुत अजीब थे। एक जहाँ पर ये अदिति को पुलिस वाले ढूंढने जाते आंखों के सामने होते लेकिन फिर भी दिखते नहीं। ने एक ये लोग उनके लिए जाल बिछाते हैं जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात बैठी रहती है, लेकिन तब पुलिस वाले वहाँ पे एक पुलिस वाला भी नहीं होता, जबकि पुलिस वालों ने ही उसके लिए जाल बिछाया होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं होते। फिर अचानक से लोकेशन मिलती है। अरे थोड़े सीन तो यार चुतिए जैसे थे, देख कर भी ऐसा ही अजीब लगता है। दोस्तों अगर सीज़न 3 के पूरे सीज़न की बात करें तो पूरे सीज़न में कुछ था नहीं स्पेशल। अगर आपने सीज़न 1 देखा है, सीज़न 2 देखा है और आपके पास एक्स्ट्रा फालतू टाइम है तो आप ये सीज़न भी देख सकते हो, लेकिन ये सीज़न में उतना कुछ खास है नहीं। बस जैसे तैसे बता रहे। इसमें एक और अच्छी चीज़ हुई कि सीज़न 1 और सीज़न 2 में वो सिंगर नहीं था, सिंगर वाला कैरेक्टर था, उसको एक गाना दे दिया था बाबा लाएगा क्रांति, अब इसमें इसको फिर से 2-3 दूसरे गाने दे दिए, वो कैरेक्टर का थोड़ा चलो अपग्रेड करा। लेकिन बाकी पूरी स्टोरी ने सब जितना सीज़न 1 ने पिकअप पकड़ा था उतना है नहीं यार सीज़न 2-3 में भी नहीं यार। 3 तो मैंने पता नहीं जैसे तैसे ख़त्म करा इतने घंटे का, कुछ प्रॉपर दिखा नहीं रहे, समझ नहीं पड़ती, जैसे तैसे बस चल रहा है। तो दोस्तों इसके यू देखने जाए तो अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा है तो आप सीज़न 3 देखना पसंद करोगे, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सीज़न 3 भी देखता है तो उसको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा, वो पूरी सीरीज़ ही नहीं देखेगा। लेकिन जिन्होंने सीज़न 1 और 2 देख रखा है वो शायद इसको देख सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है तो इसके पीछे टाइम मत बिगाड़ना। और वैसे भी MX प्लेयर पर फ्री है, अगर टाइम मिले तो देख लेना, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है कि इसकी तारीफ़ करूं या इसको स्टार दूं। सीज़न 3 तो बहुत ही ऐसा है, सीज़न 1 काफ़ी बढ़िया था क्योंकि उसमें उसके वो सीन्स की वजह से ही 1 बिलियन व्यू थे, क्योंकि वो जो उसके सीन्स दिखाने का इसमें तरीका था ना वो काफ़ी स्पेशल था है। तो उसके सीन्स वैसे थे ना, सीज़न 1 की स्टोरी भी अच्छी थी, लेकिन ये सीज़न 3 तो जैसे तैसे इन लोगों ने, अब क्या हुआ कि पूरी सीरीज़ चलने लग गई इसीलिए
दे दनादन जैसे तैसे सीजन ला रहे हैं। अब लगता है दोस्तों सीजन 4 इंटरेस्टिंग होगा, ये सीजन तो चलो ऐसे तैसे खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पर्सनल ओपिनियन और रिव्यू। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई मनपसंद सीरीज या मूवी का रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों ये रिव्यू और ओपिनियन हमारे पर्सनल थे, इसलिए कोई भी इसे दिल पे नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।